हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो है आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2C की क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन ही है, इसके बाद ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 24 से। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका अल्फा एंड बीटा जीरोज है, तो हमें किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, 1/α - 1/β का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को जो रिलेशन पता है पॉलिनोमियल के बारे में, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे। चलिए तो हम लोग को क्या दिया गया है, fx = ये दिया गया है x² + x - 2 दिया गया है। और ये एक्चुअल किस फॉर्म में है, एक्चुअली किस फॉर्म में है, ये x² + bx + c के फॉर्म में है, ठीक है। a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 1 और c क्या हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए अब हम लोग को पता है अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो यहाँ लिख लीजिएगा सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या होता है -b/a, बी क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है, और ए क्या होता है कोफिशियंट ऑफ x² होता है। चलिए तो बी क्या है यहाँ पे -1, ए क्या है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a, सी क्या है -2, ए क्या है 1, मतलब अब क्या कि अल्फा बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1/α - 1/β का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। इसका एलसीएम पहले ले लीजिए अल्फा बीटा, और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा रहता तो ठीक है, मेरा तो निकल जाता, इजी, बहुत इजी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ बीटा माइनस अल्फा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ट्रिक लगाना पड़ेगा, आप चाहें तो जो हिंट में सॉल्यूशन दिया गया है उससे आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ से आ गया वो नहीं देना चाहता, ठीक है। चलिए तो कैसे कैसे है उसके बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। इसी से हम लोग क्लू निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे लाएंगे इसी से हम लोग निकालते। चलिए इसके बाद यही पे इसको छोड़ दीजिए 1 लिख के, ठीक है। अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है ना। तो इसका स्क्वायर निकालिए पहले, क्या होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2α β होता है ना। चलिए अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो 2α β दिया गया इसके बदले हम लोग +2α β - 4α β लिख सकते हैं, क्या वही चीज तो है ना। तो बस उसके बदले में इस टर्म को हम लोग लिखेंगे, इस टर्म को उसके बदले में, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर तो है ही, अल्फा स्क्वायर तो है ही, प्लस क्या लिखेंगे 2α β - 4α β हो गया। चलिए अब ये मेरा नया फॉर्मूला आ गया, क्या a² + b² + 2ab आ गया ना। तो बस बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4α β, तो यहाँ क्या है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर है, इसी का वैल्यू चाहिए ना, इन सभी का वैल्यू तो हम लोग को पता है। चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज हुआ, मतलब -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -4α * β कितना है -2 है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 - -+8 = 9 आ जाएगा। मतलब क्या कि बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा ना। चलिए 3 आ गया, तो बस बीटा माइनस अल्फा की जगह हम लोग 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया है, और अल्फा बीटा का वैल्यू -2 आ गया है, मतलब क्या कि -3/2 मेरा आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो फाइनली वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। तो क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ओके,
उसका जीरोज क्या दिया गया है, जीरोज दिया गया अल्फा माइनस ये ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है, ए प्लस ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वही जो फंक्शन दिया गया रहता है उसको लिख लेते हैं और जीरोज और इसके कोफिशियंट में जो रिलेशन रहता है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके चलिए, अब क्या दिया गया, ये एक्चुअल किस फॉर्म में होता है, एक्चुअली होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां से अगर ए निकाला जाए तो ए इक्वल टू वन आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा, सी इक्वल टू वन आ जाएगा और डी इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्या दिया गया है कि ये जीरोज है, मतलब क्या कि हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट जीरोज अल्फा मतलब ए माइनस बी है ना, दूसरा जीरो बीटा माइनस ए है मतलब ए है, और थर्ड जीरो गामा मतलब क्या कि ए प्लस बी दिया गया है ना। चलिए, हम लोग को क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। तो चलिए यही करते हैं, अल्फा कितना है ए माइनस बी प्लस साइन, बीटा कितना है ए, गामा कितना है ए प्लस बी। अब बी का रखना है यहाँ पे, बी कितना है यहाँ पे माइनस थ्री, और ए कितना है ए वन है, मतलब ये प्लस थ्री हो गया। मतलब क्या कि बीटा बीटा कैन बी भी कैंसिल, थ्री ए इक्वल टू कितना आ गया थ्री, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है, मेरा ए का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें दो रिलेशन और पता है कौन कौन सा, एक तो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते चले तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो लेंदी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे, मतलब क्या अल्फा बीटा और गामा का। ठीक है, इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगा देंगे, तो ये क्या होता है डी बाई ए होता है माइनस डी बाई ए होता है ना। चलिए, तो अल्फा कितना है, अल्फा है ए माइनस बी, बीटा कितना है ए है, और गामा कितना है ए प्लस बी है, और डी का वैल्यू वन है, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, ए का वैल्यू भी वन है। चलिए, तो ये हमें पता है क्या कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, तो ठीक है ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इंटू ए इक्वल टू माइनस वन। ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं वन, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर वन माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे वन का वैल्यू वन आएगा तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इधर ही रखें बी को और इसको उधर कर दें तो माइनस में चला जाएगा, और तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू तो कट गया। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू टू आ जाएगा, और हमें बी का वैल्यू निकालना है तो उधर रूट चला देंगे तो प्लस माइनस रूट टू आ जाएगा। मतलब जो क्या कि ए का वैल्यू वन आ गया, बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट टू आ गया। ओके, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।